हाँ जी, तो हम एक्स्ट्रा क्वेश्चन करने लगे ट्रिग्नोमेट्री के। सप्लीमेंट्री पार्ट हमारा ट्रिग्नोमेट्री का रहता है, वो एग्जाम में अभी नहीं आएगा, वो हम बाद में आपको कराएंगे। ठीक है, क्लियर? तो इसीलिए बाकी जो है, क्योंकि सप्लीमेंट्री बिल्कुल डिफरेंट कॉन्सेप्ट है, ठीक है, तो उसमें घबराना नहीं कि मैम ने वो कॉन्सेप्ट अभी करवाया नहीं है। दैट वी विल डिस्कस जो है इन द नेक्स्ट क्लासेस। अभी हम इसको कंप्लीट कर लेते हैं, जितना करवाया उसके एक्स्ट्रा क्वेश्चन हमें दिया हुआ है। फर्स्ट में इफ साइन थीटा प्लस कोसेकेंट थीटा इज इक्वल्स टू देन साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोसेकेंट स्क्वायर थीटा जो है इक्वल टू, हमें वैल्यू निकाल। अगर देखा जाए ना, ये ऐसे क्वेश्चंस तो आप 10th में भी करते हैं ना, क्या करें जो ये वैल्यू दी हुई है, क्योंकि आपको इसका स्क्वायर की वैल्यू निकालना है, तो क्या करें, स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड करते हैं। ये तो बहुत इजी है, ये तो 10th क्लास में भी हम आपको करवाते थे, स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड। तो क्या हो जाएगा, होल स्क्वेयर आएगा ना, तो ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस टू ए बी इक्वल टू फोर। और आपको पता है साइन और कोसेकेंट आपस में क्या होते हैं, इनवर्स है, रेसिप्रोकल है, तो ये काट सकते हैं ना, क्योंकि इसको 1/sin लिख सकते हैं। तो दैट मींस साइन स्क्वेयर थीटा प्लस कोसेकेंट स्क्वेयर थीटा इक्वल टू टू, ये मेरा आंसर है। क्लियर, सबको बात समझ आ गई? तो दैट मींस टू इज माय आंसर। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं, दैट इज सेकंड क्वेश्चन फ्रॉम द असाइनमेंट। व्हाट इज गिवन हियर, इफ टैन ए इज इक्वल टू 1/2, टैन बी इज 1/3, देन हमें कैलकुलेट करना है टैन 2a+b इज इक्वल्स। क्लियर कट पता चलता है बेटा, जब भी टैन में दो एंगल्स का सम आए तो हम क्या करेंगे बेटा, ऑब्वियस है, टैन ए प्लस बी लगाएंगे। तो मैंने जब लगाया टैन ए प्लस टैन बी ओवर 1 माइनस टैन ए टैन बी, इसके बाद कोई बच्चा बता सकता है क्या करें? टैन बी की वैल्यू पता है, बट ये टैन ए की पता है, टैन 2a की कैसे निकाले, एनीबॉडी फ्रॉम यू? हाँ जी बेटा, एनीबॉडी फ्रॉम यू, सोचो बेटा थोड़ा सा। ओके युवराज, यस बेटा, मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से। मैं यही एक्सपेक्ट करती थी युवराज, बेटा ये तो बिल्कुल रॉन्ग है। रीजन आपको मैंने आगे भी बताया था कि टैन 2a इज नॉट इक्वल्स टू 2 tan a, बेटा ये नहीं होता, यही तो ट्रिग्नोमेट्री में हम आपको समझा रहे हैं, क्योंकि मैंने एग्जांपल भी बताया था युवराज, अगर आपको याद हो कि अगर आप कहते हो, मैंने मान लो 2 × 45 लिख दिया, 90 होता है, तो वैसे टेन 90 जो है वो नॉट डिफाइंड होता है, आपके अकॉर्डिंगली तो 2 × 1 ये 2 आंसर हो गया। बताओ युवराज ये सही नो मैम, है ना? ये चीज बेटा, ये बहुत बच्चे गलती करते हैं, हम कभी नहीं कर सकते हैं। यस समृद्धि, अच्छा लगा मुझे पार्टिसिपेट कर रहे हो आप सब, बिकॉज इसी से आपके डाउट्स क्लियर होंगे। यस समृद्धि बेटा, हम इधर हम फॉर्मूला लगाएंगे टेन टू 2 tan a/1 - tan² a। वेरी गुड, 2 tan a/1 - tan² a + tan b, कोई फर्क नहीं पड़ता, आप गलत बोल रहे हो सही बोल रहे हो तो बहुत अच्छा है, बट ये नहीं फील करना कि मैंने गलत बोल दिया, डजंट मैटर बेटा। मैं आपको कह रही हूँ सबसे बड़ी बात है कि आप इस बात के लिए हिम्मत रखते हो कि मैंने क्लास में बोलना है, और उतने ही डाउट्स क्लियर होते हैं। ठीक है जी, 1 - tan 2a, यहाँ पर भी सेम फॉर्मूला लगेगा,
over 1 minus tan square a into tan b. ओके अब क्या करें, सारी वैल्यूज मेरे पास है, देखो tan a की भी है tan b की भी है, put all the values and get your answer. तो मेरे पास क्या बन गया यहाँ पर, 2 into tan a की वैल्यू 1 by 2 over 1 minus 1 by 2 का स्क्वायर 1 by 4 plus 1 by 3 over 1 minus. अच्छा यहाँ पर मेरे पास जो है सेम वैल्यू यही वाली आएगी ना, तो मेरे पास 2 into 1 by 2 over 1 minus 4 1 by 4 into tan b की वैल्यू 1 by 3. अब इसको तो सॉल्व कर सकते हो and get your answer. ठीक है बेटा, क्लियर? एनी डाउट टू एनी वन? चले आगे हम बेटा. ओके ओके नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है ना, मेरे पास जो है जो असाइनमेंट में दिया हुआ है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे पास, फाइंड 13 पाई बाय 12. अब 13 पाई बाय 12 मैंने आगे भी आपको बताया था, जो डिनोमिनेटर में होता है ना उसका मल्टीपल ब्रेक करो. हाँ जी, कौन बताएगा कैसे ब्रेक करें? जस्ट रेज योर हैंड. I want maximum participation from your side. हाँ जी बेटा बोलिए, कोई भी? हाँ जी, यस हिमांशु बोलिए. हिमांशु मम, यहाँ पे आएगा tan 12 pi plus pi by pi by 12 आएगा मैम, उसके बाद कटिंग करके tan pi by 3 हो जाएगा. आपको पता है थर्ड क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट में टैन पॉजिटिव होता है, ये बन गया. अब इसको आपने करना है, अगर आपको नहीं पता चलता है ये एंगल कितना है, ये देख लीजिए 180 को 12 से डिवाइड कर लीजिए, ये लीजिए ये 15 डिग्री बनता है. ओके क्या बनता है मेरे पास, 15 डिग्री. तो 15 को आपको पता है पाई बाय 4 यानी 45 माइनस 30, 30 कितना अगर करते हैं हम लोग तो दैट इज पाई बाय 180 बाय 6 करते हैं ना. ये देखिए आपको नहीं ऐसे लिखना आता, मैं बार बार कहती हूँ, कोशिश करो ऐसे लिखो. अब आपको tan 45 माइनस थीटा, आपको पता है 1 माइनस tan थीटा ओवर 1, जब आप डिग्री में लिखते हो तो डिग्री जरूर डालना होगा, 1 प्लस tan थीटा. ये आपके लिए करके दिखाया, हमें तो याद ही है पाई बाय 12 15 होता है. ठीक है ये तो अब मेरे पास जो है यहाँ पर क्या बना बेटा, 1 माइनस अब tan 30 की वैल्यू. यस जी वितेश, अनम्यूट योरसेल्फ जी वितेश. एक्सक्यूज मी मैम. हाँ जी हाँ जी मैम, जब आपने tan 50 को tan 45 माइनस 30 लिखा, फिर उसके बाद 1 माइनस tan 30 कैसे लिखा मैम आपने? बेटा ये हमने फॉर्मूला किया था tan 45 माइनस थीटा जो होता है 1 माइनस tan थीटा ओवर 1 प्लस tan थीटा. अगर आपको ये नहीं याद, आप tan a माइनस b लगा लो, जब आप tan a लगाओगे तो tan 45 1 ही होता है बेटा. यस मैम. है ना, तो वो अपने आप ही फॉर्मूला बन जाता है. ओके जी वितेश. यस मैम समझ आ गई ना बेटा, चलो आगे जी वितेश, क्लियर है ना बेटा? यस मैम. ठीक है तो अब बेटा आगे मैं वैल्यूज पुट कर दूंगी मेरे पास
दैट इज 1 माइनस अब tan 30 की वैल्यू मेरे पास हो गई, आपको पता है 1 बाय रूट 3, यहाँ पर भी 1 बाय रूट 3, LCM में 1 की रन्स, ओके जी, हो जाएगा ना अभी, चलिए लेट अस डू वन मोर क्वेश्चन, ठीक है, अब मेरे पास हो गए नेक्स्ट क्वेश्चन. That is tan a plus b. बेटा ये मुझे दिया हुआ है that is equal to m and tan a minus b that is equal to n. तो show करो tan 2m is equal to m minus n over 1 plus n. बहुत इजी है करना. क्यों स्टार्ट कैसे करेंगे tan 2b से, ये प्रूफ करना है, मतलब इसकी वैल्यू इवैल्यूएट करनी. मैं इसको b plus b लिख सकती हूँ ना, अब क्योंकि मेरे पास तो a plus b की है माइनस b की, तो मैंने क्या किया एंगल के अंदर ही कर रही हूँ जो भी कुछ कर रही हूँ. मैंने a ऐड किया, मैंने a को सब्ट्रैक्ट किया, ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं. अब मैं tan, क्योंकि मुझे a के साथ नेगेटिव नहीं चाहिए, तो मैंने क्या किया बेटा, मैंने माइनस कॉमन ले लिया. अब ये थीटा ये फाई, tan थीटा माइनस फाई, क्या होगा मेरे पास, दैट इज tan a माइनस tan b over 1 a, यहाँ पर a plus b ही लिखना है, tan a plus b tan a minus b. अब देखो सबकी वैल्यूज पता है, ये सब कुछ किया जस्ट बिकॉज ऑफ दिस, तो मैं क्या करूंगी बेटा, यहाँ m minus n over 1 minus n n, ओके जी, क्लियर टू एवरीवन, कोई डाउट तो नहीं बेटा, ठीक है, तो होप यू विल कंप्लीट योर वर्क ऑन टाइम. एंड समृद्धि यस यू वांट टू आस्क एनीथिंग बेटा, मम्मी लास्ट स्टेप समझाना दोबारा. बेटा यहाँ पर मैंने, अगर इसको मैं थीटा मान लूं, इसको फाई मान लूं, तो टैन थीटा माइनस फाई का फॉर्मूला लगाया बेटा मैंने, टैन थीटा माइनस टेन फाइव ओवर वन प्लस टेन थीटा टेन फाइव. अब थीटा क्या है, ए प्लस बी, फाइव क्या है, ए माइनस बी, मैंने वो वैल्यूज पुट की, यहाँ प्लस है, ठीक है, प्लस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग. अब इसकी वैल्यू टेन ए प्लस बी की वैल्यू एम है, मैंने एम लिख दिया, टेन ए माइनस बी की वैल्यू एन है, मैंने एन लिख दिया, सॉरी वैल्यूज पुट की, यू गेट योर आंसर, ओके समृद्धि, यस ओके. चलिए अब बेटा मैं आपको बता रही थी कि होप यू विल डू योर वर्क ऑन टाइम एंड डू द रिवीजन ऑफ द चैप्टर्स प्रॉपरली, ओके, ट्राई टू डू एक्स्ट्रा क्वेश्चंस, ठीक है, फिर नहीं मतलब कि मैम ये कैसे हो गया, आपको थॉरली चैप्टर को रीड आउट करो, ओके, क्लियर. Anything you want to ask, Peter?